गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। रुको रुको, सर्दी पड़ रही है, मुझे चाय में पी चाय पी रही थी। सो आज बन रहा है हमारे छत पे, मम्मी बना रही है दाल टिक्कर। क्यों बना रही है? क्योंकि गांव से आए बुआ जी के दोनों लड़के, मतलब दोनों अलग अलग बुआओं के हैं, दिखा दो, सेम नाम है। आप देख के छोटू एंड छोटू सेम नाम है दोनों के। ये दोनों आए थे गांव से और सेम सेम नाम है। इसका नाम भी छोटू है, क्या कर रहा है, और ये भी थर्रा छोटू है, देसी छोटू है, आतंकवादी। सो इन लोगों का प्लान था कि छत पे बनाया जाए दाल टिक्कर। वैसे तो खाना बनता है रोज ही, बाजरे की रोटी वगैरह, तो सोचा क्यों ना आज दाल टिक्कर बनाया जाए, क्योंकि सभी, और हाँ राजा भी आ रहा है डबरा से, तो सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारी मस्ती होगी। तो मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लो शाम को, और अभी छत पे चलेंगे, फिर वहाँ पे जाके सभी लोग, फिर बने रहना आप लोग, क्योंकि बहुत सारी मस्ती होने वाली है। इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें होती है कि हम लोग हंसी के बारे लोट पोट हो जाते हैं, तो आप लोग भी देखना। सो यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी और हमारी दाल बन के हो गई है रेडी, और इधर मैंने सैलेड काट के रख लिया था सब, प्याज टमाटर मूली, और ये देखो वाव, बहुत ही मस्त लगती है चूल्हे की दाल टिक्कड़, और एक नंबर, मतलब टिक्कड़ में थोड़ा आटा अलग होता है। तो इधर मम्मी बना रही है, उधर भाई कमेटी लगी हुई है, अभी राजा नहीं आया है क्योंकि वो आ गया है मम्मी के यहाँ पे, तो बस आ रहा था। और इधर मम्मी अपना रोटी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और पापा जी खा रहे थे खाना, तो मैंने वॉइस नहीं दे पाई, मैंने सोचा बाद में दूंगी। तो इधर मम्मी देखो बना रही हैं, ये हाथ से ही बनती हैं टिक्कर, वैसे घी लगा के भी बना सकते हैं, पर मम्मी नहीं बनाती, मम्मी थोड़ा सा आटा लगा लेती है, और मोटे मोटे से बढ़िया, इतनी टेस्टी लगती है ना, क्या बताएँ। और इधर ये लोग देख रहे हैं, ब्लॉग ही देख रहे हैं, मतलब क्योंकि टाइम पास कर रहे थे मैं। अच्छा बढ़िया, मठाके आलू चाहिए क्या? हमने स्पेशल राजा के लिए मठाके आलू रखे थे, क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगर हूँ, फूड ब्लॉगर हूँ, लेकिन फैमिली ब्लॉगर ना हो। फैमिली धोते कैमरा मुंह पे ही आएगा, आ रहेगा मैं, पता है। तो जनता को मत दिखाओ, क्या दिखाएं क्यों नहीं, दिखाना जरूरी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो रात में दाल टिक्कर की पार्टी हुई थी, जैसे कि आप सबको पता है, तो थोड़ी बहुत वीडियो बना पाई क्योंकि पापा जी थे, तो मैं उनके बारे में वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा। तो अभी 9:30 बज गए, तो अभी उठी है, ये लोग इतने मस्ती कर रहे थे जब से, मैं इतना लेट हो गई क्योंकि मैं रोज़ 9 बजे तक तो नहा लेती हूँ, मेरा सारा काम से फ्री हो जाती हूँ, और अभी मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि चाय बनाती हूँ, चाय बनाऊंगी, तो मैं सोचा कुछ नाश्ता बना दूँ, तो मैंने पोहा दही बनाऊंगी बढ़िया से पोहा, और इधर तेल भी गर्म हो गया है, सब इसमें डाल देंगे नहीं खाली। तो ये लोग ना इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं जब भी ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं हमेशा काम के लिए लेट हो जाती हूँ, जहाँ मेरा नहाना धोना सब, मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ, तब तो मैं इन लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग उठते नहीं है सोते सुबह सुबह बिल्कुल भी। प्याज वगैरह सब कटे रखे हैं, तो फटाफट से बना लें पोहा, फिर इन लोगों को नाश्ता वास्ता करा के, फिर मैं मतलब अपना काम वाम करके, तो आज तो शायद 11 बज जाएंगे मेरे को नाते नाते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, तब खाना आना बनेगा। चलो बना लें फटाफट, हमारे पोहे बन के हो गए हैं रेडी, किस किस को खाना है जल्दी से आ जाओ। चलो मैं फटाफट से इन लोगों को दे देती हूँ प्लेट में करके, और इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई, सो चलो अब जल्दी से प्लेट में करके दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ले। सो नाश्ता तैयार है, लेकिन ये लोग इतने बड़े मतलब चाहिए कि अभी तक ब्रश नहीं हुआ इनका, तो चिल्ला रहे थे कि खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आंखें मिलकती है छोटू तेरी तो। मिलक रहा है? अब नहीं मिलक रही, लग रही है, फॉक्स लग रहा था इसीलिए। सुजे देखो इतनी छोटी है फिर भी नहा धो के खा रही है मेरी बच्ची,
और ये देखो मुंह छुपाए हैं क्योंकि इनने ब्रश किया है अभी। छोटू जिनने भी ब्रश किया है, लेकिन कितनी अच्छी लग रही है परी नहा के बढ़िया, अपने कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए, पोहे खा रही है मुंह छुपा रहा। और जे एक छोटू तो गाय अभी मैं खाऊंगी।